जी आपका नाम? राजवीर। राजवीर जी कहाँ रहते हैं आप? खानपुर। ये यहाँ गन्ना तोल क्रय केंद्र लगाया गया था, कांटा लगाया गया था जी। क्या मामला चल रहा है इसका? इसका पाड़ने का चल रहा। क्यों? पहले तो ये लगा गया, उन्होंने कहा नको भाई हमने तुम्हारी मांग पूरी कर दी, अब तुम हमारे पक्ष में वोट करियो। किसने कही थी ये बात? सत प्रकाश, वो क्या नाम उसका, सत्यव्रत ने। ये माननीय मंत्री जी संजीव बालियान जी के जो भाई हैं। हाँ। अच्छा, उन्होंने कब किया था इसका उद्घाटन? 2 तारीख में उद्घाटन हुआ था इसका। हाँ जी, उद्घाटन हो गया था, सत्यव्रत जी ने करा था। हाँ। अच्छा, ये जीएम साहब भी थे, कुलदीप सिंह भी थे, शुगर मिल के अधिकारी भी थे। हाँ। अच्छा, तो अब क्यों उखाड़ा जा रहा है इसको? यहाँ से भाजपा को कम वोट मिला गांव में, खानपुर में। अच्छा, तो इस वजह से? इस वजह, हम तो यही वजह मान रहे। आपका नाम? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी कहाँ रहते हैं आप? खानपुर में जी। अच्छा, क्या बात है यहाँ? यहाँ बात यह है कि गांव खानपुर में 3 साल से परेशान थे सेंटर की वजह से। यहाँ मंत्री जी आए, मंत्री जी से मांग करी कि हमारे गांव में सेंटर लगाना चाहिए। उन्होंने हमारे यहाँ 2 तारीख में सेंटर लगवा दिया। 8-9 तारीख को तोल चली, उनके भाई सत्यव्रत यहाँ उद्घाटन करना आए, अब यो तोल यहाँ बंद कर दी। डी सी ओ को दबाव दे रहे, कह रहे डी सी ओ कह रहा जी मेरे उससे नहीं हुआ, यो तो मंत्री जी ने करवाया था, अब यहाँ करे तोल बंद कर दो, तोल बंद। क्यों बंद कर रही जा रही तोल? वोट कम मिली गाँव में, जानू बंद करी जा रही। आपका नाम? रवि चौधरी। रवि चौधरी कहाँ रहते हैं आप? खानपुर जी, गांव खानपुर में। हाँ जी, क्या बात है यहाँ कांटे को लेकर के? अजी कांटे को लेकर तो ये बात है, ये तो एक सियासती राजनीति, यहाँ जो मंत्री जी थे उन्होंने वो कांटा दिया था और यहाँ बीजेपी को वोट बहुत कम मिली, उसकी वजह से वो कांटा फाड़ गई। अच्छा, लगवाया था किसने कांटा ये? संजीव बालियान जी ने। अच्छा, तो वोट कम होने की वजह से? हाँ जी, मिलने की वजह से। हाँ जी, ये कांटा उखाड़ रहे हैं। हाँ जी, तो आप लोग क्या कह रहे हैं? हम लोग कह रहे हैं लगाया था क्यों, जब लगाया था तो ये पटना नहीं चाहिए, तो मान सम्मान की बात है गांव के। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।